मेरे बेटे का कुछ प्यारा प्यारा मूवमेंट पहले आइए दिखते हैं। जब मेरा बेटा 5th डे में पहली बार नहाया था उस दिन का ये वीडियो है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल विद दोहा एंड ध्रुव। मेरे बेटे का बर्थडे अप्रैल 18 को पड़ता है। उसका पहला बर्थडे था। हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग कर दिए थे। पहला बर्थडे है तो तिथि के हिसाब से घर पे पूजा पूजा करने के बाद ही हम लोग केक कटिंग करने के लिए सोचे थे, इसलिए अप्रैल 18 को कुछ भी फंक्शन हमने नहीं किया। डायरेक्ट ही मैं 7 को पूजा करवाया मंदिर में रुद्राभिषेक। उसके अगले दिन मैं 8 को हम लोगों ने पार्टी थ्रो किया था। लेकिन ऐसे घर में ही आस पड़ोस में जो 2-3 घर हैं वो सब मिलके ही हम लोग ने कर दिया था, कुछ खास नहीं। और एक ट्रेजेडी हो गया, मतलब क्या बताएं। हम लोग उस दिन संडे था, तो संडे के दिन पूरा शायद सैटरडे या संडे ऐसे कुछ था, तो शटडाउन था, सब कुछ बंद था। तो हम लोग ने केक शॉप को फोन किया तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारा डिलीवरी नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, तो ऑनलाइन ही हम लोग ने बुक किया पॉन एंड पेटाल से। तो मैंने उनसे बात करके पूरा चूज किया कि कौन सा कलर का होगा। वो जो आप वीडियो में देखेंगे जो कार है ना, वो पूरा मैंने ब्लू वाला, क्योंकि मैंने ब्लू थीम बनाया था, तो ब्लू वाला पूरा बना के देने के लिए मैंने बोला। तो उन लोगों ने क्या किया, पिंक कलर का भेज दिया। मतलब वो देख के भी मेरा दिमाग खराब कि अरे कुछ तो हुआ नहीं। फिर मतलब केक भी मैंने ऑर्डर किया ब्लू कलर का, लेकिन आया पिंक कलर का आ गया। तो क्या करें, मुझे मतलब इतना गुस्सा आया। मैंने फ़ोन किया कि आपको मैंने बोला था, कैसे आप ऐसे कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सॉरी मैडम, ये गलती हो गया, आपने बोला नहीं होगा। मैंने कहा कैसे बोला नहीं है, व्हाट्सएप में पूरा लिखा गया है और मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। तो उन लोगों ने सोचा कि ये थोड़ा मतलब प्रूफ है उनके पास। तो उन लोगों ने फिर से माफ़ी मांगी और बोले कि ठीक है, मैं और एक भेज दूंगा केक ब्लू कलर का। लेकिन हम लोग का तो पार्टी उस दिन था, तो वो ब्लू कलर का केक आते आते रात को 10 बज गया। क्या करें, वही पिंक कलर में ही केक कटिंग हो गया। उसके बाद मतलब फटक से बंद हो गया। हम सोचे भी नहीं थे कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो नहीं तो पहले से खरीद के सारे रखते। तो यहीं पे ही पास में मतलब छोटा मोटा दुकान था, हम लोगों ने सोचा क्या हुआ। हाय बोल दो, हाय। उसके बाद जो छोटा मोटा यहीं पे एक मार्केट बिल्डिंग है, वहां पे जाके हम लोग ने फर्स्ट बर्थडे का वो जो 1 लिखा होता है ना, वो वाला और ब्लू कलर का मैंने मंगवाया। कि ब्लू कलर का पहले सोचा कि ऑनलाइन मंगवाए, लेकिन बहुत कम दिन था तो भुवनेश्वर को थोड़ा मतलब 15-20 दिन के बाद ही पहुंचता है, मतलब कुछ भी ऑर्डर करो तो ऑनलाइन। तो हम लोग ने सोचा कि यहीं से चलो ले आते हैं, था बाबा था रुक जा, तो यहीं से ले आते हैं ऐसा सोच के मतलब यहाँ पे जा लेके आए और चेक भी नहीं किया, हमने ऐसे ही रख दिया। जिस दिन उसका बर्थडे हुआ उस दिन 3-4 बजे जैसे हम डेकोरेशन करने के लिए निकाले,
तो इतना मतलब छोटा सा पूरा आया ही नहीं, फुसका हुआ था, मतलब अच्छे से वो क्या मतलब हवा अंदर गया नहीं, निकल गया था, वन वाला जो था वो भी पूरा हवा निकल गया उसका, मतलब सब कुछ बेकार ही हो गया। चलो कोई नहीं, जैसे तैसे करके बर्थडे हो गया मेरा बेटे का। तो कैसे हमने पूजा करवाया, कैसे उसके बाद बर्थडे पार्टी हुआ, कौन कौन आए थे, कैसे किया, उस दिन मैंने छोले भटूरे खीर बनाई थी उस दिन। स्पेशल थैंक्स टू, यही पास में मेरी एक नेबर है, वो मतलब वो भाभी पूरा जो, क्योंकि गरम गरम ही भटूरे अच्छा लगता है, तो पूरा बेल बेल के मुझे दी, और मैंने पूरा छान छान के, मतलब कुछ ना तो 20 लोगों के लिए वो पूरा बेल के दी थी। तो स्पेशल वो, अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो थैंक यू भाभी, आपने मुझे बहुत हेल्प किया उस दिन, थैंक यू। और एक नेबर है हमारे पड़ोस में, सुषमा भाव जो बोल के, उन्होंने सबको मतलब ऐसे सर्व कर दिया था, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने भी बहुत हेल्प किया। तो उस दिन अच्छा अच्छा बन गया था, सब भी खा के मतलब खुश हो गए थे कि अच्छा बना है, खा के गए थे। तो चलिए पहले कटिंग देखेंगे, चलिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैं दो पार्ट में ला रही हूँ। पहला वाला जो पार्ट मैंने कल छोड़ दिया है, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे कैसे मुश्किलें आई और कैसे सोचे थे हम लोग क्या हो गया। उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्या क्या खरीदे हैं हम उस दिन पहनने के लिए, और रुद्राभिषेक कैसे करवाया मंदिर में वो देखेंगे। वीडियो की सेकेंड पार्ट में, यानी कि आज वाले वीडियो में, आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने श्याम को केक कटिंग किया और पार्टी किया, उसके बाद क्या क्या गिफ्ट मिला था मेरे बेटे को वो मैं दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं क्या क्या मिला था। एक्चुअली क्या हो गया ना, जब 2020 को मेरा बेटा पैदा हुआ था, उस टाइम पे ही लॉकडाउन था 2020 में भी, तब कोई भी आ नहीं पाए थे मेरे पास। तो जो नेमिंग सेरेमनी हुआ था पास में ही, मतलब हम जब जिस घर में रहते थे ऊपर घर में ही मेरा भाई भाभी रहते थे, तो वो सारे रसम पूरा कर दिए थे, जो जो एक मतलब मामा के यहाँ से होना चाहिए था, रसम देना लेना सब कुछ मेरे भाई ने कर दिया था। बहुत सारा ड्रेसेस, जो पूजा का जितने भी जो जो चाहे होता है पूजा के लिए, सत्यनारायण पूजा करवाते हैं हम लोग नेमिंग सेरेमनी में, तो उस दिन जो जो चाहिए था मेरे लिए, साड़ी, मेरे हस्बैंड के लिए ड्रेस, और मेरे बेटे के लिए बहुत सारे ड्रेसेस, कुछ ना हो तो 5-6 ड्रेसेस वो ला दिए था। और जो होता है ना, एक ड्राई हो जाता है कुछ, पानी पानी गिर जाए तो वो वाला मैट, बहुत कुछ लेके आ गया था, वो सारा रस्म पूरा कर दिया था।
नेमिंग सेरेमनी में प्रॉपर जो उस टाइम पे सारा शॉप बंद था, तो हम लोग चूज करके कुछ ले नहीं आ पाए थे। इसी वजह से मेरे मम्मी पापा देखने के लिए मेरे बेटे को बीच में आए थे, जो दुर्गा पूजा के टाइम पे आ गए थे। तब उन्होंने बोला था कि जो नेमिंग सेरेमनी में पहनते हम लोग, वो वाला तुम लोग खरीद के ले आओ, अभी तो दुकान वुकान सब कुछ खुल गया है, आप लोग चूज करके वो ले आओ। और वो मैंने बोला था कि वो तो हो गया है और अब क्यों, तो बोले कि नहीं नहीं जो मतलब जो जैसा देना चाहिए था हमारा यहाँ से वो तो देंगे हम लोग, आप लोग चूज करके ले आओ, आप कभी भी पहन लो। तब हम सेंट्रल, तब कोई ऑफर नहीं था, मतलब प्रॉपर दुर्गा पूजा का टाइम खत्म हो गया था ऑफर का टाइम, उसके बाद हम लोग गए थे खरीदने के लिए, तो कोई ऑफर नहीं था, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा प्राइस ज्यादा भी हो गया था। ये वाला जो ड्रेस, मेरा जो ड्रेस दिए थे घर पे, मतलब मैंने चूज किया था, सारा पैसा घर पे दे दिए थे, मेरे पापा ने दे दिए थे। ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैं थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ, ये वाला स्कर्ट है, दोनों साइड सेम ही है, सब मैंने तीनों चीज अलग अलग ही खरीदे थे। मतलब ये वाला, ये 2500 पड़ा था, 2500, कोई ऑफर नहीं था इस वजह से थोड़ा ज्यादा मतलब प्राइस हो गया था। ये वाला, ये 2500, इसके ऊपर के लिए ये वाला, ये कुछ 1600-1700 या 2000 के आसपास कुछ पड़ा था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है अभी। उसके पीछे से और ये वाला चुनरी, ये चुनरी भी मैंने एक्स्ट्रा ही खरीदा था, ये 950 पड़ा था। ये सब अलग अलग है, चुनरी अलग, स्कर्ट अलग और उसका टॉप अलग, सब अलग अलग मैंने खरीदा था। ये हो गया मेरा, वो भी सोच रहे थे कि क्या खरीदे, मतलब मैंने कहा अच्छा वाला एक कुर्ता खरीद लो, पूजा वूजा कुछ भी आएगा तो पहनने में अच्छा रहेगा, तो ब्लू कलर का ये वाला खरीदे थे। और इसके ऊपर ये वाला जैकेट, मेरी बेटी के लिए ये वाला मार्केट बिल्डिंग में जो मंजू नाम का एक शॉप है, देखने में वो छोटा लगता है लेकिन इतना बेस्ट बेस्ट उसके पास मतलब मटेरियल्स होते हैं ड्रेस के, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी के लिए वहीं से मैं खास कर लाती हूँ, तो ये वाला मैं मंजू से ही लाई थी, ये वाला राजो का पेंट और ये वाला का, ये वन हैंड स्लीव है, स्लीव तो नहीं ऐसे थोड़ा ये है, और यहाँ पे जैसे स्लीवलेस उस तरह का डिजाइन है। और मेरे बेटे के लिए उस टाइम तो बहुत ड्रेसेस था, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ड्रेस ले लिया था कि वो बाद में भी पहन सकेगा बोल के, ये वाला पैंट और उसको मैचिंग करते हुए ये वाला। तब सर्दी का मौसम था, तब फुल हैंड ज्यादा मिल रहा था, तो हम लोग फूलन का ये ले आए थे, ये आगे वाला। मेरी बेटी का 1600 पड़ा था ड्रेस, और ये मुझे खास याद नहीं आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा है ये वाला कितना पड़ा था। बस ये तो हो गया ड्रेसेस, और क्या क्या गिफ्ट मिला था मेरे घर से आया था तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये जो चेन है ना, ये वाला मेरे बेटे के लिए, और ये भी मेरे बेटे के लिए, और ये अंगूठी, ये वाला जो कटोरी है ना,
ये वाला कटोरी, और इसको हम लोग सामुका बोलते हैं, पता नहीं आप लोग में क्या बोलते हैं ये, मतलब ऐसे ऐसे दूध पिलाने के लिए जब, और एक स्पून, ये वाला स्पून और ये वाला सामुका और ये कटोरी। इसमें क्या है कि मतलब ऐसे दूध पिलाने के लिए जब नेमिंग सेरेमनी के टाइम पे बोल के ये दिया गया, दी थी मेरी मम्मी ने। ये डेली पहनने के लिए, जो वेस्ट में पहनते हैं ना कमर में, ये डेली पहनने के लिए दिए थे, और ये कभी कभार पहनने के लिए झुम 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 होते हैं। और जो राइस सेरेमनी होता है ना, पहली बार जब राइस खाते हैं ना, उस दिन के लिए ये वाला प्लेट, ये ग्लास, ये वाले में एक कटोरी और ये वाला एक कटोरी। इसमें से राइस, इसमें पानी, एक में खीर और एक में सब्जी बोल के ऐसे करके दिए थे मेरे मम्मी ने। राइस सेरेमनी के लिए ये वाला और एक स्पून भी दिए थे, दो स्पून दिए थे, एक वाला नेमिंग सेरेमनी के लिए और एक जो राइस सेरेमनी होता है हम लोगों का उस दिन के लिए, ये सब दिए थे। और पैसा जैसे देते हैं मतलब फर्स्ट बर्थडे पे भी ऐसे ही पैसा भेज दिए थे। ये वाला पास में एक दीदी है, वो दिए थे मेरे, दिए थे मेरे बेटे के। और ड्रेसेस भी एक दीदी ने दो ड्रेस दिए थे, और बाकी सारे पैसे दे दिए। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जो साइड में है उसको भी दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा कि आगे मैं जो जो वीडियो लाता रहूंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे ही मैं अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आऊंगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक बाय 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 दोस्तों।